गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम विजय वर्मा। टुडे इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन 6, 7 एंड 8 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 ऑफ चैप्टर 3 रेशियल नंबर फॉर क्लास 7। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 इज राइट 4 रेशियल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। मींस हमें क्या करने, इनके आगे के 4 रेशियल नंबर लिखने इक्विवेलेंट। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे या फिर सिंपल सा इनका टेबल लिख देंगे। 5/12 है तो इसमें ऊपर 5 का टेबल लिखेंगे और नीचे 12 का। देखिए 5 से आगे क्या होगा, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 और नीचे 12 का टेबल, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48 एंड 12 5 60। तो ये है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, क्लियर। इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आंसर आएगा 5/12। तो इसमें जनरली करते क्या है, ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, जिससे -6/13 है। अब इसके 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने, तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे -6/16 है तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। फिर इसके बाद में -6/16 में 3 की कर देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और -6/16 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की, क्लियर। और इसी तरीके से -6/16 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की। इसी तरीके से अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 12 / 16 2 32, ये माइनस का हो जाएगा। फिर 6 3 18 / 16 3 48, ऊपर माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में कर रहे हैं तो आंसर आएगा माइनस में। 6 4 24, माइनस का 24 / 16 4 64, और 6 5 30, माइनस का 30 हो जाएगा और 16 5 80। तो देखिए टेबल है ना पूरा का पूरा ही 6 का टेबल ही, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 और 6 5 30, नीचे भी सेम वही टेबल, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 5 80, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ, क्लियर। अब देखिए जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए हैं, इस तरीके से थर्ड पार्ट को करते हैं। तो पहले तो मल्टीप्लाई हम करेंगे दोनों में 2 की, सही है, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में 3 की, और फिर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 की, और इसी तरीके से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 की। तो देखिए 7 2 14 / 11 2 22, फिर कोमा, 7 3 21, 11 3 33, माइनस, क्लियर। तो 7 4 28 और 11 4 44, तो 44 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में हो रही है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। 7 5 35 / 11 5 55 और ये माइनस में। तो बच्चों रूल क्या होते हैं साइन का, यदि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो भी माइनस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से हो रही है, तो मीन्स माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा, माइनस। तो देखो माइनस आ गया, क्लियर। अब इस फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, माइनस का 8, तो लिखेंगे -8/1। अब इसका हमें क्या लिखना है, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो एक बार तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, है ना, एक बार 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और एक बार हम करेंगे इसमें 5 की मल्टीप्लाई। तो 8 2 16, 2 आ जाएगा, और 8 3 24, नीचे 3 आ जाएगा, 3 1 3 है ना। अब देखो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से हो रही है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। इसी तरीके से 8 4 32, 32 माइनस में आ जाएगा, और 1 4 4, 8 5 40, 40 माइनस का हो गया अपॉन 5, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में कर रहे हैं तो आंसर के इसमें आएगा माइनस में। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट। तो यहां पर हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए इस 9 की मल्टीप्लाई तो हम करेंगे इस 7 में, और इस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे -6 में, क्लियर। तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी 7 × 9 = -6 × x, क्लियर।
अब ये मल्टीप्लाई में इधर और ये भी मल्टीप्लाई में, तो जैसे हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये जो मल्टीप्लाई में जो है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स 7 मल्टीप्लाई 9 अपॉन माइनस का 6 इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए ये 9 और ये 6 ये दोनों के दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 जा 9 और 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 7 जा 21 क्लियर और माइनस का 2, तो ये वैल्यू x की। ओके ये आंसर आ गया। अब देखिए इस -24 की मल्टीप्लाई हम करेंगे यहां पर 3 में, तो ये जगह 3 मल्टीप्लाई -24 और अपॉन में 8, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमने x को एक तरफ रखा क्लियर। तो देखिए अब यहाँ पे जो 24 और 8 ये दोनों के दोनों नंबर 8 के टेबल में आते हैं, तो 8 वन जा 8 और 8 थ्री जा 24, तो 3 जा 9 हो गया ऊपर तो अपॉन में 1। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से कर रहे हैं तो आंसर आएगा माइनस में। ओके अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ है तो इस x को ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऊपर इधर क्लियर, और 36 को ले जाएंगे दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो ये जगह -55 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 22 क्लियर। तो 36 तो इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से और x इधर। अब चाहिए कि हमें अब यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो मल्टीप्लाई में जो नंबर है इसको इधर डिवाइड में ले जाएंगे, तो लिखेंगे -55 मल्टीप्लाई 36 अपॉन में 22 इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए 55 और 22 ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, 11 के टेबल में, तो 11 5 जा 55 और 11 2 जा 22। अब देखो यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 2 है, ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे लेकिन 2 1 जा 2, अब यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, अब यहाँ पे 6 है तो 16 हो गया, 2 8 जा 16, तो ऊपर क्या बचा माइनस का 5 और 18, तो लिखेंगे -5 मल्टीप्लाई 18 अपॉन में 1 इज इक्वल टू एक्स, तो 18 5 जो कितना होता है 90 अपॉन 1 और ये आ जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x तो जाएगा 8 की तरफ और 12 जाएगा 10 की तरफ क्लियर, तो लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई -12 क्लियर। अब हमें निकालनी x की वैल्यू, तो ये जो मल्टीप्लाई में 8 है वो डिवाइड में चले जाएगा दूसरी तरफ, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई -12 अपॉन 8। अब देखें यहाँ पे जो 12 और 8 ये दोनों नंबर 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, अब यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 10 ऊपर, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो लिखते हैं x इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई -3 अपॉन 1, तो 5 3 जा 15 अपॉन 1। अब माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस में करेंगे तो प्लस में आ जाएगा आंसर, तो ये आ गया हमारा 15 आंसर। अब जैसे 15 क्या आ गए, कोई भी साइन नहीं है तो उसको हम प्लस का नंबर ही मानेंगे। ओके अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट, तो देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी, तुम क्या करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 9 को 7 की तरफ ले जाएंगे, तो ये जगह x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 9 अपॉन माइनस का 21। अब देखिए 9 और 21 ये दोनों के दोनों नंबर 3 के टेबल से आते हैं, ये दोनों के दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 जा 9 और 3 7 जा 21, अब यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो 7 1 जा 7 7 1 जा 7, तो 1 मल्टीप्लाई 3 ऊपर और नीचे -1, तो जगह 3 अपॉन 1 और वो भी माइनस का, तो ये आंसर आ गया क्लियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का 3। अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे जो 50 इसको ले जाएंगे इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो ये जगह 9 मल्टीप्लाई माइनस का 50 अपॉन 50x क्लियर। अब देखो 9 और 15 ये दोनों के दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 जा 9 3 5 जा 15, अब यहाँ पे 50 और 5 ये दो नंबर भी 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 1 जा 5
फाइव टेन जा 15, तो 3 मल्टीप्लाई माइनस 10 अपॉन 1, क्योंकि ऊपर कौन कौन से नंबर बचे थे 3 और 10 और नीचे 1, तो लिखते हैं 3 टेन जा 30 यानी कि माइनस का 30 इज इक्वल टू एक्स, तो ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस माइनस 3/13 एज ए रेशन नंबर विद न्यूमरेटर 9, फर्स्ट पार्ट में लिखा, सेकंड पार्ट में लिखा न्यूमरेटर माइनस का 18, थर्ड पार्ट में लिखा डिनोमिनेटर माइनस 52 एंड फोर्थ पार्ट में लिखा डिनोमिनेटर 65। ओके स्टूडेंट, देखिए ये है नंबर माइनस का 3/13, क्लियर। अब इसमें जो ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, न्यूमरेटर 9, तो यहाँ पे न्यूमरेटर लिख देते 9। अब यहाँ पर हमें न्यूमरेटर के यहाँ पे 3, क्लियर, तो 3 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, या फिर ये देख सकते हैं कि 3 के टेबल में 9 कितने पर आता है, तो 3 के टेबल में 9 आता है 3 जा पर, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, माइनस 3/13 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -3/-3 की, तो -3 की जब -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 13 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 39, और वो भी माइनस का, क्योंकि प्लस की मल्टीप्लाई जब माइनस में करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं, देखो सेकंड पार्ट में लिखा है न्यूमरेटर इज माइनस का 18, मीन्स 3 के टेबल में कितने पर 18 आता है, तो लिखेंगे -3/13, 3 के टेबल में 18 आता है 6 जा पर, तो हम 6 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 6 जा कितना होगा 18, और माइनस की मल्टीप्लाई जो प्लस में करेंगे तो माइनस में आ जाएगा आंसर, और 13 6 जा 78, क्लियर। अब यहाँ पे तुम्हें एक रूल बता देते हैं जिससे जो आपको याद होना चाहिए, माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस, क्लियर। ये रूल है जिसका हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, थर्ड पार्ट में डिनोमिनेटर है माइनस का 52। अब देखो जैसे ये नंबर है -3/13, इसमें जो नीचे वाला जो नंबर है इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब बताइए 13 के टेबल में 52 कितने पर आता है, 4 जा पर, क्लियर, तो हम चलाएंगे इसे 4 जा पर, तो 4/4। अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर माइनस में है तो हम यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो देखिए 3 4 जा 12/13 4 जा 52। अब देखिए यहाँ पे रूल क्या है, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या आएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर, तो ये आंसर हो गया। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर इज 65, तो यहाँ पे लिखेंगे डी इज इक्वल टू 65, तो नंबर क्या है हमारे पास में 3/-3/13। अब 13 के टेबल में 65 कितने पर आता है, 5 जा पर, तो हम करेंगे 5 की मल्टीप्लाई, तो बताइए 3 5 जा 15 और 13 5 जा 65। अब यहाँ पे जो नंबर है ऊपर वाला तो माइनस में आएगा और नीचे वाला प्लस में, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस आ गया, इसके अकॉर्डिंग कि माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो ये माइनस आ गया, फिर प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो क्या आएगा प्लस, तो प्लस हमने लिख दिया, क्लियर, तो ये हो गया आंसर।